आज की वीडियो में हम आप लोग को कराने वाले हैं बिलासा कॉलेज का टूर, तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो याद से लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग बिलासपुर। तो अभी हम हैं अंबेडकर चौक पे, हम लोग आ रहे हैं सिविल लाइन साइड से, और ये जो सामने रोड है ये निकलते हैं राजेंद्र नगर चौक और इंदू चौक। तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आप जब कॉलेज आते थे तो कौन से साइड से आते थे। अब देखिए है बिलासा कॉलेज का पार्किंग वाला गेट, पर मेन एंट्री यहीं से होती है। पार्किंग वाले नॉर्मल ऐसे ही चलते चलते भी, क्योंकि मेन गेट यहाँ खोलते नहीं है, पर आज खुला हुआ है, उसका भी लुक हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा स्पीड को बढ़ा दिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत स्लो चल रहा था, वैसे ही बहुत लेंथी हो चुका है वीडियो, तो चलते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से बाहर जाने वाले हैं, और ये हम लोग बाहर आ गए उस गेट से थोड़ा सा आगे, ये है मेन गेट जिसको अभी नेक की टीम आ रही है, पूरी तैयारी चल रही है तभी खोले हैं, तो अब हम लोग शूट कर लिए यहीं से। आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा अपने पुराने कॉलेज को और कुछ नए स्टूडेंट को अपने नए कॉलेज को देख के। तो हमारे राइट साइड पर हम कॉलेज का गार्डन है, और ये लेफ्ट साइड पर पार्किंग है। यहाँ पर बोर्ड लगी हुई है NSS NCC की, रेड क्रॉस एरिया का भी। हमें कमेंट डाउन करके बताना कि आपका कॉलेज मोमेंट कौन सा वाला बेस्ट था और आप कौन से बेस्ट के स्टूडेंट थे। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं बिलासा कॉलेज के जस्ट फ्रंट में। यहाँ से हम लोग ने चारों तरफ का थोड़ा सा क्लिप लिया है, तो देखिए इधर साइड जाने से तीसरा वाला गेट है जहाँ से टीचर्स लोग की एंट्री होती है, और ये मेन गेट जिसको कभी खोलते नहीं, आज खोल दिए थे, हम लोग एंट्री ले लिए। और ये पार्किंग जो हमेशा खुला रहता है, इसी में से सबको आना जाना पड़ता है। यहाँ पर NCC वालों का प्रैक्टिस चल रहा है, नेक की टीम आने वाली है। तो अब हम लोग चलेंगे अंदर, देखिएगा कॉलेज में क्या क्या अपडेट हो चुका है, कितने सारे कंप्यूटर सिस्टम आ चुके हैं, नया ऑडिटोरियम बन चुका है, गार्डन को अब और अपडेट कर दिया गया है, कुर्सी लगा रहे हैं भाई उसमें, और कंप्यूटर वाला क्लास तो देख के हमारे टाइम पे था रही, इतना 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 मस्त बना दिए हैं। तो अब हम लोग अंदर आ चुके हैं, जस्ट अंदर आने के बाद राइट साइड पर हमारे प्रिंसिपल का कैबिन है, यहाँ देखिए प्रिंसिपल सर नहीं है अंदर। और यह है हेल्प डेस्क, जहाँ आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो यहाँ आकर आप पूछताछ कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा राइट साइड का व्यू ले लेते हैं, राइट साइड ये स्टॉप है और ऑफिस, जहाँ पर आपको TCCC या फिर एडमिशन लेना होगा तो सब कुछ यहीं जमा करना है। और ये सामने एकदम स्ट्रेट वे पे चलता है, तीन बिल्डिंग है, पहले में केमिस्ट्री एंड जूलॉजी है, उसके बाद थर्ड वाला है जहाँ पर अभी कंप्यूटर का लैब बन चुका है, तो अभी हम लोग उधर नहीं जाएंगे। यहीं से राइट साइड में एक और है जहाँ से ऑडिटोरियम जाता है, पर हम लोग वहाँ भी नहीं जाने वाले। राइट साइड से सीढ़ी से ऊपर हम लोग डायरेक्ट ऑटोनोमस जा रहे हैं, देखिए कितना काम चल रहा है, नेक की टीम जो आने वाली है, तैयारी जोरों शोरों से चल रही है सबकी। तो अब हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ से, तो हम लोग पहुँच गए और यहाँ पर है ऑटोनोमस लेफ्ट साइड में, तो एंट्री करते हैं। तो यह है यहाँ का ऑटोनोमस, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, अंदर टीचर लोग बैठे हुए हैं, यहीं पर रिजल्ट वगैरह बनता है, स्कॉलरशिप फॉर्म या फिर कुछ भी हो तो फिर आपको यहीं आना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं और आगे, तो सामने जो डिपार्टमेंट दिख रहा है वो है फिजिक्स डिपार्टमेंट, अपना डिपार्टमेंट। तो फिजिक्स वाले कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद कॉलेज को देख के। और ये गार्डन हमारे आने के बाद बना है और बहुत अच्छा बन गया है, तो आप देखिए इस गार्डन को। यहाँ पर वाटरफॉल भी लगा हुआ है, पर आज स्टार्ट नहीं था तो सूट नहीं हो पाया वाटरफॉल, पर आप जब कॉलेज आना स्टार्ट करेंगे
आप इंजॉय कर सकते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर अब कुर्सियाँ भी लगाई जा रही है, काम चल रहा है, बहुत अच्छा सजा दिए हैं। आखिरकार नेक की टीम जो आ रही है, तो ये है म्यूजिक डिपार्टमेंट से सामने का व्यू। पहले यहाँ कंप्यूटर लैब था, अब इसको हटा के म्यूजिक डिपार्टमेंट कर दिए हैं। और जो सामने गेट दिख रहा है जिधर से सर लोग आ रहे हैं, इधर है हमारा ऑडिटोरियम। तो अभी देखते हैं ऑडिटोरियम का सीन। देखिए यहाँ पर है सभागार लिखे हैं, तो डरिएगा मत, अंदर पूरा अंधेरा दिख रहा है, कुछ हॉरर सीन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सारे साइड पंखे लगे हैं, बैठने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है। अभी इसको भी ओपन रखे हैं क्योंकि सब साइड काम चल रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से बाहर। तो ये हमारा लास्ट बिल्डिंग, जहाँ ऊपर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है और इधर ही है कंप्यूटर लैब, उधर हम लोग थोड़े देर बाद जाएंगे। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसको ये भी नया बन चुका है। और ये रहा छोटा सा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, जहाँ पहले हम लोग के टाइम पर कैंटीन था। यहाँ पर भी छोटा सा गार्डन बनाए हैं। यहाँ नीचे अभी हम लोग कुछ देर बाद जाने वाले हैं, तो देखते रहिए। अभी घर जा रहे हैं, हमारे राइट साइड पे जो दिख रहा है, यहाँ पर होता है प्रोग्राम एनुअल फंक्शन। यह है मुक्त रंगमंच, ये ऊपर से हम लोग लिए हैं। और बिलासा कॉलेज में फूलों की कोई कमी नहीं है, आप देख ही रहे होंगे चंपा फूल सामने में इतना सारा फूल लगा है, और आंवला का पेड़ भी है। तो आप लोग जब एनुअल फंक्शन में आओगे, आप लोग पूरा यही भीड़ करोगे, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पर एनुअल फंक्शन होता है। तो हम लोग छत से इसी सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं। ये सीढ़ी जस्ट ऑडिटोरियम के थोड़ा सामने है, अब हम लोग नीचे से थोड़ा शूट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग इधर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर रुक कर थोड़ा सा शूट कर, यहाँ पर देखिए कितना सुंदर फूल है। पहले और भी बहुत सारे फूल पेड़ पौधे थे, पर अब उखाड़ दिए हैं सबको, थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों में से किस किस ने एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था, अपने बैच के नंबर के साथ कौन से बैच में आप पास हुए थे। तो अब हम लोग इधर जाने वाले हैं, यहाँ पानी पीने की व्यवस्था है। और ये जो सामने मुक्त रंगमंच के साइड में दिख रहा है, इधर है होम साइंस डिपार्टमेंट, साथ में कॉमर्स डिपार्टमेंट भी। तो ये हम लोग क्लिप एड किया ताकि आपको समझ आए, ये फ्रंट से फ्रंट हम लोग जा रहे हैं, इस बार ग्राउंड फ्लोर पर ही हम लोग चलने वाले हैं। देखिए नीचे से इस गार्डन का व्यू है। तो अब हम लोग इसी गार्डन पे जा रहे हैं। तो ये जो रास्ता है, ये जाता है फिजिक्स डिपार्टमेंट, नीचे है इंग्लिश डिपार्टमेंट, और ये हमारी नोडल सेंटर वाली मैडम जा रही है अपने नोडल सेंटर में। तो आप लोग इंजॉय कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर से बताइए कि कौन कौन यहाँ पे आके बैठे थे, कौन कौन यहाँ पे आके बहुत इंजॉय किए हैं इस वाटरफॉल के पास। और ये वाटरफॉल का हाल, अभी इसका सफाई नहीं हुआ है ना, तो इसको चालू किया गया है, क्योंकि लॉकडाउन में क्या ही करेंगे।
तो हम लोग फिर से बाहर आ गए हैं, अब हम लोग चलेंगे स्ट्रेट वे में। ये एक ही क्लिप को बार बार जोड़ दिए ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको समझ आए कि हम लोग किधर से किधर को जा रहे हैं। ये अभी इसी गार्डन में गए थे हम लोग, तो अभी अब इधर नहीं जाने वाले, हम लोग सीधा सीधा निकलेंगे इस वाले डायरेक्शन पे। तो यहाँ हमारे लेफ्ट साइड में है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और राइट साइड में है जूलॉजी डिपार्टमेंट। तो अब हम लोग सीधे चलते बाहर आ गए और इधर लेफ्ट साइड में है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट और इधर से सीधे रास्ते पे मिलता है हमको लाइब्रेरी, स्पोर्ट डिपार्टमेंट और साथ में बॉटनी डिपार्टमेंट। और उससे पहले छोटा छोटा गार्डन और बना हुआ है, तो इस वाले गार्डन का नाम रखे हैं बटरफ्लाई गार्डन। तो हालांकि यहाँ कुछ बटरफ्लाई तो नहीं दिख रहा है पर फ्लावर्स लगे हुए हैं। यहाँ का मौसम मस्त था, आज बहुत अच्छा हवा चल रहा था और धूप थी। दोपहर को गए थे पर शायद भगवान को भी यही लगा कि थोड़ा सा छाँव कर देते हैं, हम पे मेहरबानी थी, थोड़ा सा छाँव कर दिए। ये बड़ा सा पीपल का पेड़, ये दूसरा वाला गार्डन है, इसका नाम नहीं पता, इसको लिखे है शायद बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल जोन। तो हमारे राइट साइड पर है होम साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, यहीं से जाते हैं, जिसको अभी हम लोग छत से शूट कर रहे थे। उसके बाद है यहाँ राइट साइड में कैंटीन है, तो उसका थोड़ी देर बाद वीडियो बनाएंगे, पहले देखते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी डिपार्टमेंट सामने है जस्ट, देखिए, और ऊपर में है बॉटनिक डिपार्टमेंट। तो बॉटनी वाले कमेंट करके बताओ भाई आपका बॉटनिकल गार्डन आ रहा है। ये नया नया बना है, इसमें अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं पर जितनी है हम लोग ने सोच की है। तो ये है बॉटनिकल गार्डन के प्लांट्स, ग्रो कर रहे हैं सब धीरे धीरे। तो बायो वाले आप लोग कमेंट करके बताओ ये कौन सा पौधा है। अभी यहाँ पर भी साफ सफाई का काम चल रहा है, तो हम यहाँ से निकलते हैं। तो थोड़ा सा फिर से वीडियो को पीछे लिए हैं, अब जाएंगे हम लोग इस साइड जहाँ पर है कैंटीन। यहाँ पर पोस्टर नहीं दिख रहा है पर है, देखिए कैंटीन वाले भैया लगा रहे हैं। थोड़ा सा स्पीड कर दिया है वीडियो को, बहुत स्लो हो गया था, तो देखते हैं नया कैंटीन कैसा है। पहले से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, सब कुछ एकदम प्रॉपरली सेट हो चुका है। यहाँ पर मिरर है, हम लोग मिरर में नहीं लिए क्योंकि हम लोग खुद दिख जाते। तो सामने है काउंटर जहाँ से आपको ऑर्डर करना है वहीं से लेके आना है, क्योंकि सेल्फ सर्विस सिस्टम है। तो जो जो कैंटीन आते थे रेगुलरली अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, जरूर से कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। कहाँ से हम लोग फिर से स्ट्रेट में मिस क्लिक। तो अब एकदम सीधा चलेंगे थर्ड बिल्डिंग पर डायरेक्ट। ये गार्डन जो हम पहले शूट कर चुके हैं आप लोग देख ही चुके हैं, तो भी थोड़ा सा क्लिप एड कर दिए ताकि जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको समझ आए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर से शेयर कीजिए, उनको भी इंजॉय करने दीजिए कॉलेज एक बार आने का फिर से। तो हम लोग सीधा चलते हैं, इधर भैया लोग काम कर रहे थे। इसके बाद हम लोग राइट में गए, इधर सीधा सीधा है कॉमन रूम, तो कॉमन रूम साइड चलते हैं।
और ये एक क्लास को ले लिया, यहाँ दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं। इसी टाइप का आपको क्लास मिलेगा पूरे कॉलेज में। दो क्लास है जहाँ पर सीढ़ीनुमा क्लास लगाए गए हैं, बाकी क्लास आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर वीडियो को हमने स्पीड अप किया है, एक कॉमन रूम से पहले है यहाँ पर वॉशरूम वगैरह, तो थोड़ा सा दिखा देते हैं कितना साफ सफाई रहता है यहाँ। फीडबैक देने का भी ऑप्शन है। ओके, देखो भाई, इसके बाद कॉमन रूम, यहाँ पर अभी स्पोर्ट डिपार्टमेंट वालों का टेबल टेनिस वगैरह लगा दिए हैं, पर जब कॉलेज अच्छे से खुलेगा तो बाद में एडजस्ट। और ये खिड़की से बाहर का व्यू जिधर हम लोग अभी गए थे जस्ट, ये पीपल का पेड़ बड़ा वाला। उसके बाद हम लोग इसी में स्ट्रेटवे में अब ऊपर चलते हैं, यहाँ ऊपर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। अब यहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हम अब कॉलेज के लास्ट एंड में आ चुके हैं। ये सामने ऊपर छत दिख रहा है जहाँ पर ऑडिटोरियम है, इधर नीचे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है। हम लोग इसी फ्लोर पे आए हैं ऊपर, इधर भी पूरा क्लासरूम है तो हम लोग इधर का शूट नहीं करेंगे। और अब आता है कॉलेज में सबसे बड़ा अपडेट, वो है कंप्यूटर का लैब। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर लैब 2 लिखा है, तो एंट्री लेते हैं भाई। देखो कंप्यूटर का लैब, अब कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट सोचो कहाँ बैठने को मिलेगा। हम लोग के टाइम पे कैसा था, इतना अच्छा से इसको डेकोरेट कर दिया है पूरा रूम में, इतना इंटीरियर किए हैं, मतलब बस देख के एक ही वर्ड है वाओ। सभी न्यू सिस्टम आए हैं, CPU सभी में लगा हुआ है, सभी सिस्टम ऑन है। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट रूम, ये उससे भी बड़ा सरप्राइज है, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है भाई, इतना बड़ा स्क्रीन लगा के रखे है, देखो LED स्क्रीन। यहाँ पर लैपटॉप भी स्टार्ट है, पूरा प्रेजेंटेशन यही से ओरिएंटेड होगा। और ये जो सामने सब दिखता है ये सीट ही नहीं, यहाँ पर भी सभी कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं। और पीछे का बैकग्राउंड देखो तो फोटो खिंचाने लायक है। और देखो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में मिल जा रहा है, पर सभी में कंप्यूटर सिस्टम है, शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो, पर हम लोग देख के आए हैं। तो बताइए आप कैसा लगा ये कंप्यूटर लैब, हमको कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये है मैथमेटिकल डिपार्टमेंट के पीछे का गार्डन, और ये सीढ़ी जहाँ से हम लोग कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से नीचे आ गए, और ये डायरेक्ट अब खुलेगा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो यहाँ की कुछ बच्चियाँ जो आई थी, ये है, और ये है PG लैब। देखिए भाई कौन कौन यहाँ आके प्रैक्टिकल किए हो, तो यही क्लास भी लगता है PG वालों का। इतने सारे केमिकल हैं, मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है कौन सा है, केमिस्ट्री वैसे ही छूट गया था। तो यह है PG का क्लासरूम केमिस्ट्री का, तो यहीं बैठ के सभी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। पीछे लैब है जहाँ पे प्रैक्टिकल भी होता है साथ में। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले जल्दी से कमेंट कीजिए अपने डिपार्टमेंट के लिए, आपका कौन कौन सा एंजॉयफुल मोमेंट रहा है हमको ज़रूर से बताइए, और आपका सेशन पर ज़रूर सेव कीजिए। अब हम हैं कॉलेज से एकदम बाहर, इधर हमारे लेफ्ट में है पार्किंग और हम लोग जा रहे हैं स्टेशनरी साइड। ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट यहीं से है, इधर पार्किंग है पूरा देखिए। तो अभी स्टेशनरी बंद है, पर आपको फोटोकॉपी जो भी पेन वगैरह चाहिए सब यहीं से मिलेगा। तो ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के जो बगल में गेट है, ये भी फिजिक्स डिपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर मीन्स इंग्लिश डिपार्टमेंट में खुलता है।
यहाँ से देखिए, जिसका हम लोग छत से पूरा गार्डन का व्यू लिए थे। और ये कॉलेज का फ्रंट से आउटर व्यू है, मतलब बाहरी लुक। तो अब हम चलेंगे गार्डन की ओर। तो अब हम लोग जा रहे हैं गार्डन की ओर। यहाँ पर आपको फूल अभी नहीं दिखेंगे, पर जैसे ही ठंडी टाइम आएगा बहुत सारे फूल लगाते हैं। वैसे भी यहाँ पर बहुत सारा लगा हुआ है, जैसे मोगरा है, फिर बाद में डहलिया लगाएंगे, गेंदा का फूल, ये सब। और जो सामने पेड़ दिखता है उसमें भी बहुत सारा फूल लगता है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पर आई होप कि आप जब तक आएंगे सब कुछ खिला रहेगा। आपके वेलकम के लिए इस पोस्टर को नया लगाया है यहाँ पर। इधर ही चलते हैं। तो हमको कमेंट करके बताइए कि आपको गार्डन के कौन से जगह पर बैठना सबसे ज़्यादा पसंद था। प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमको भी पता चले, और साथ में अपना सेशन भी ज़रूर से लिखिएगा। तो इसी गार्डन का एक और व्यू लिए हैं दूसरे एंगल से, जिधर से पहले किए थे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से। जब आप कॉलेज आएंगे तो आपको सब समझ में आएगा, और जो लोग पढ़ चुके हों उनको तो सब समझ में आ ही रहा होगा। अब ये है कॉलेज का तीसरा गेट, जहाँ से टीचर लोगों की एंट्री होती है। ये पार्किंग है टीचर लोग का, यहाँ काम चल रहा है, सभी साफ सफाई। और जो सामने दिख रहा है ये बॉटनी डिपार्टमेंट है, जिधर हम लोग पहले सूट करके आ चुके हैं। अब चलते हैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट, है पार्किंग के जस्ट आगे। एकदम स्ट्रेट वे पे जो दिख रहा है वो है बिलासा का गर्ल्स हॉस्टल। देखिए, आपका अगर नाम अच्छे से दिख रहा होगा तो ये कॉलेज एंट्री वाला गेट, बाकी आउटर वाला दूसरे साइड है। कभी वहाँ पर भी चलेंगे वीडियो बनाने। अगर आपको चाहिए कॉलेज हॉस्टल का वीडियो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप इसको लाइव देखना चाहते हैं, कॉलेज को लाइव शेयर करना चाहते हैं, तो भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लाइव भी जाएंगे, पर थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो अभी लाइव वाला बटन हमको नहीं मिल पाएगा। फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे। आप इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, उसमें से लाइव कर सकते हैं। देखिए मौसम कितना अच्छा है। ये है ग्राउंड, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में है स्पोर्ट डिपार्टमेंट, थोड़ा सा दिखेगा। अब शायद आप लोग को दिख रहा हो खेलकूद विभाग, यहाँ पर भी काम चल रहा है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो याद से लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमें ज़रूर से कमेंट करें आप कौन से सेशन से पास हुए हैं इस कॉलेज से, ज़रूर से बताएं। थैंक यू एवरीवन।